कराची में पुलिस ने लांडी शेरपा कॉलोनी और डिफेंस में कार्रवाइयां करके दो जख्मी मुलजमान और खातून मंशियात फरोश समेत तीन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। बदकिस्मती से इसके नतीजे में कुछ लोग मर गए। पुलिस के मुताबिक लांडी शेरपा कॉलोनी में मुकाबले के बाद दो डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मंशियात फरोशी में मुलविस खातून को डिफेंस फेस 8 से रिपोर्ट की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम पार्टी में मौजूद नौजवानों को मुख्तलिफ इकसाम की मंशियात मसलन आइस क्रिस्टल और चर्स फरोख कर रहा था। मुलजिम से मंशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 28 साल शहजाद ने कोरंगी इब्राहिम हैदरी में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मतवफ़ा को जहनी परेशानी भी थी। पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन बलोचकोट में 14 साल लड़के ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मकतूल की शनाख्त शहजाद के नाम से हुई है। ज़राए के मुताबिक शहजाद ख़ानदान में शादी करने का इरादा रखता था, ताहम घर वालों की जानब से शादी से इनकार पर जो जवान ने खुदकुशी कर ली।